आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेनाई न्यूज। स्पेनाई न्यूज में आज बात करेंगे, एक ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, एक ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से टूट चुकी है 5 राज्यों में हार के बाद। लेकिन इसके बाद जो अब नीतियां बनाई गई है, जो अब फॉर्मूले बनाए गए हैं, जो अब फॉर्मूले तैयार किए गए हैं, ये बेहद खास है और मोदी सरकार से टक्कर कर सकते हैं, मोदी सरकार से जो है मुकाबला करने में शायद कारगर साबित हो सकता है, पूरी तरह से कहना मुश्किल होगा। तो अब सवाल यह है कि मामला क्या है, सवाल यह है कि ऐसा क्या फॉर्मूला तैयार कर लिया कांग्रेस ने, सवाल यह है कि ऐसी क्या रणनीति तैयार कर ली है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं और खास करके जो है बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। तो आइए पूरे मामले को बारीकी से समझते हैं। 5 राज्यों में नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने इस बात पे तवज्जो दिया कि कहां हार हुई कहां जीत हुई, इस बात पे जो है वो ज्यादा ध्यान लगा रही थी। उसी तरह से बीजेपी को देखा गया कि किस वजह से उनकी जीत हुई है, कहां पर उनका टीम स्ट्रांग है, कैसे वो जो है कामकाज कर रही है। और देखा गया तो माना गया कि यूपी चुनाव में जब कोरोना का एक लहर आया, तो जब इलेक्शन कमीशन के लिए तरफ से जब निर्देश आए कि रैलियां कम होंगी, डोर टू डोर कैंपेन कम होंगे और वर्चुअल रैलियां ज्यादा होंगी, तब वहां पर जो विपक्षी पार्टी है वो फीका पड़ गई। और वही चीज देखने को मिला कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि उनके पास उतना पकड़ सोशल मीडिया पर नहीं है और इसी चीज को लेकर अब कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कांग्रेस ने 200 लोगों की एक नई टीम बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर काम करेगी कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस का कैसे प्रचार हो, कैसे कांग्रेस पार्टी के काम काज के बारे में लोगों तक जानकारियां दे, कैसे बीजेपी की नीतियों पे हमला करे उसकी जानकारियां दे। तो ये एक अच्छा पहल माना जा रहा है और कांग्रेस ने जो ये एक्शन लिया है, 200 लोगों की एक फौज टीम तैयार की है, इससे वाकई में कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। देखना ये होगा कि ये जो 200 की टीम तैयार की गई है, ये जो 200 की टीम सोशल मीडिया पे काम करेगी, ये कितना कारगर पहले गुजरात में साबित होती है, क्योंकि 2024 चुनाव से पहले जो मेन सेमीफाइनल मैच है कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में तो करारी हार हो ही चुकी है, यूपी चुनाव भी सेमीफाइनल था, तो इससे अब उनके लिए सेमीफाइनल जो वो गुजरात और हिमाचल है, राजस्थान है, तो गुजरात में देखना होगा कि क्या इसका कितना फर्क पड़ता है, क्या वहां जीत पाते हैं, हिमाचल में देखना होगा, तब जाकर अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा, प्रदर्शन रहा, तब समझ में आएगा कि 2024 में इस टीम से, इस फॉर्मूले से, इस तरीके से बीजेपी से मुकाबला कर सकती है, मुकाबला टक्कर कर सकती है। देखना यही होगा कि क्या वाकई में 2024 के लिए पूरी तरह से कांग्रेस तैयार हो रही है, देखना यही होगा कि क्या जो रणनीतियां बना रहे हैं उससे कांग्रेस बीजेपी से मुकाबला कर भले जीते या ना जीते, लेकिन क्या उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां लोग आज उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।